अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं स्क्रीन शेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और पाकिस्तान के कैपिटल शहर इस्लामाबाद के रोड के दरमियान पाकिस्तान की बेस्ट बस सर्विस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान में हर नए रोज़ पाकिस्तान में कोई नई लग्जरी बस की एंट्री होती है और बसेज के निज़ाम को अपडेट किया जा रहा है कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली। दोस्तों इस रूट में बेस्ट बस सर्विस कौन सी है जो कि अपने फेयर के साथ अपनी सर्विसेज के साथ जस्टिफाई करती है? दोस्तों कायना ट्रैवल्स जो कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में, वो कराची से रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान की बेस्ट बस सर्विस है, क्योंकि जो इनकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने का तरीका बाकी बसेस से काफ़ी डिफरेंट है और ये काफ़ी मतलब ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो अदर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही। दोस्तों सबसे पहले इनके फेयर की बात की जाए तो वो काफ़ी रिजनेबल है। दो टाइप्स के फेयर हैं, दो टाइप्स की बसेज हैं इनके पास। एक डाइपो की पुरानी बस है, पुराना मॉडल है BH120F, वो भी काफ़ी लग्जरी है, उसके अंदर भी आपको तमाम फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। उसका फेयर अगर बात की जाए तो 2800 है। इसके अलावा जो अब लेटेस्ट एडिशन है इनकी कंपनी में, वो यूडूम की एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव क्लास, उसका फेयर 3800 है। और उसका फ़र्क इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सीट्स का डिफरेंट है, इसके अलावा काफ़ी और भी उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। इनकी सर्विस की ये ख़ास बात यह है कि ये आपको ऑन बोर्ड फूड भी प्रोवाइड करती हैं, आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, इसके अलावा आपको डिनर करवाया जाता है, आपको इसके अलावा बस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके अलावा आपको फ्री वाई फाई दिया जाता है, जो कि बाकी कंपनी से काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने बस के ऊपर लिखा तो होता है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर रही होती, मुख्तलिफ बहाने बना रही होती हैं। और इसके अलावा आपको जो टैबलेट मिलता है उसके अंदर मतलब काफ़ी कस्टमाइजेशन की गई है, बाकी बस कंपनीज़ की तरह नहीं कि चंद मूवीज़ ऐड कर दी या कुछ मतलब गाने वगैरह ऐड कर दी, इसमें आपको मुकम्मल वैरायटी मिल जाती है मूवीज़ की, गानों की, इसके अलावा गेम्स की, इस्लाम शोज़ की। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सीट्स के दरमियान लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और अगर बात की जाए ये ड्यूरेशन कितना लेती है ये रूट कंप्लीट करने में, तो ये तकरीबन 25-26 घंटे लेती है कराची से रावलपिंडी का ये रूट कंप्लीट करने में। और दोस्तों ये जो बीच में सिटीज़ आती हैं उनको भी कवर करती है, वहाँ पर जाके भी ये रुकती है, जिस तरह हैदराबाद, मुल्तान, मियावरी, सक्कर, इसके अलावा फैसलाबाद और भी छोटे मोटे शहर हैं जो इन रोड के दरमियान आते हैं, वो इसको कवर करती है और वहाँ से भी पैसेंजर्स को ले के आगे पहुँचाती है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की बेस्ट बस सर्विस है मेरी नज़र में। आपको इस रूट की बेस्ट बस सर्विस कौन सी लगती है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक फॉर वॉचिंग।